तो बच्चे से मतलब ये हमारे पास ही रहे ना बच्चे बच्चे से, जब ये बच्चा था ना ये कहीं बैठा था, इसको कोई पक्षी मार देता है या कुत्ते मार देता है, इसलिए उसको उठा कर ले आए हम। उठाने के बाद उसको गत्ते में रखा, गत्ते में रखने के बाद इसको दो तीन दिन में गत्ता में रह रहा है, खाना पीना टोटल से मिल गया, फिर इसको मैंने उड़ा दिया, उड़ गया। उड़ने के बाद उसके बिहार हो गया, अपने आप आता है खाने के लिए, सब कुछ उसको में मिलता है, वो आता है। तो अब आप इसको क्या क्या खाने को देते हो? अभी देता हूँ मट्ठी, देता हूँ बालू शाही, देता हूँ लेकर के सेब दे देता हूँ लेकर के, या मैं छोले का रोज आ रहा है रोज। तो एक कहीं ना कहीं आप संदेश देना चाहोगे कि लोगों को कि पक्षियों से भी प्यार किया जाए? हाँ, संदेश दे दो, पक्षियों से प्यार किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है हरिकृष्ण। करनाल में एक चाय वाले और तोते की ऐसी दोस्ती नहीं देखी होगी कभी आपने। देखे करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ये खास रिपोर्ट। करनाल, ए दुनिया वालों, मेरी जुबान आप नहीं समझते लेकिन मैं प्यार की भाषा समझता हूँ। ये हरि प्रसाद ही ले लो, एक बार प्यार से दुलारा था, मेरा हाल जाना था, मुझे बरसात से बचाया और दो दाने मुंह में डाल दिए थे। देखा तो और लोगों ने भी था, जब मैं सर्दी से कांप रहा था, सांस मंद हो रही थी, पर ध्यान तो इस हरि नहीं दिया। बस उस दिन से ही मेरी और हरि की दोस्ती हो गई। इस चाय वाले ने भी ऐसा दिल लगाया कि मैं दिन में 3 बार यहाँ आता हूँ, दूध पीता हूँ, चीनी खाता हूँ, मट्ठी तो मेरी पसंदीदा हो गई है। यहाँ मुझे कभी सेब मिलता है तो कभी बालूशाही, खाने की मौज है। यह कहानी करनाल के एक तोते व चाय वाले की है। ये डेली आ रहा है जी, खाता है पीता चला जाता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो क्या खाता है, क्या खिलाते हो? ये बालूशाही, फ्रूट वगैरह जो मर्जी दो वो खा लेते हैं जी, चाय भी पी लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, चीनी भी खा लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं। हाँ जी, रिश्ता कैसे देखते हो? ये बस इंसान और पक्षी में एक प्यार ही लगा लो जी। खुशी भी होती है आपको? हाँ जी, खुशी होती है। विकास, ढाई माह पहले रिमझिम का मौसम था, एक नन्हा परिंदा मीनार रोड पर चाय के खोखे पर आ गया। बरसात में भीग कर सर्दी से कांप रहा था। चाय बनाने वाला हरि प्रसाद की निगाह उस पर पड़ी तो उसे सहलाया, दो दिन तक उसकी देखभाल की। जब वह ठीक हो गया तो उसे आसमान में छोड़ दिया। उस दिन से वह दिन भर कहीं भी आसमान को नापता है, फिर भी सुबह का नाश्ता, दोपहर व रात का खाना यही आकर खाता है।
हरी प्रसाद चाय वाला रोजाना अपने दोस्त का बेसब्री से इंतजार करता है। हरी प्रसाद चाय वाले के पास चाहे चाय पीने वालों की लाइन लगी हो, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त तोता आसमान को नापकर वापस हरी प्रसाद के पास आता है, हरी प्रसाद सब कुछ छोड़कर उसे भोजन खिलाता है। आज की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में जहां इंसान को इंसान 2 मिनट का समय नहीं दे पाता, लेकिन हरी प्रसाद चाय वाले और तोते की दोस्ती देखकर सब लोग सोचने को मजबूर हैं, काश इस तरह की दोस्ती सबको मिले। Thank you.